वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक बी सेलर्स। दोस्तों आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं दोस्तों कि व्हाट्सएप जो बैन हो गया है, नंबर कोई सा भी नंबर बैन हो गया है तो उसको किस प्रकार से अनबैन करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्या करना पड़ता है, आपको अपना नंबर अनबैन करने के लिए आपके पास बिजनेस अकाउंट होना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करना पड़ता है, आप जाएंगे सिंपली प्ले स्टोर में। फर्स्ट स्टेप देखिएगा दोस्तों, प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे डालेंगे व्हाट्सएप बिजनेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे डालेंगे सर्च बार में व्हाट्सएप बिजनेस। अब दोस्तों ये आपके मोबाइल में अगर जो इसको इंस्टॉल किए हैं तो इसको अपडेट कर लीजिएगा, नहीं तो फर्स्ट बार डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। ठीक है दोस्तों, यहां से हम क्या कर देते हैं, यहां से अपडेट कर देते हैं दोस्तों। अपडेट हो रहा है दोस्तों, कुछ टाइम लेगा ये अपडेट हो जाएगा। मैं अपना फोटो इधर कर देता हूं दोस्तों, राइट साइड में। ठीक है दोस्तों, ठीक है, फिर आगे का प्रोसेस बताते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया। ठीक है दोस्तों, अभी आपको नीचे की तरफ में स्क्रॉल करके जाना है। नीचे की तरफ में आपको क्या करना है, स्क्रॉल करके जाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐप सपोर्ट वाला। ठीक है दोस्तों, ऐप सपोर्ट वाला एक ऑप्शन दिखाई देगा, मैं आप इसको हाईलाइट कर देता हूँ दोस्तों। ठीक है, देखिए इसको ऐप सपोर्ट यही वाला है दोस्तों। सिंपली क्या करना होता है, ऐप सपोर्ट वाले ऑप्शन पे एक बार इधर क्लिक करना होता है राइट साइड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए इसको भी मैं गोल कर देता हूँ, इसी एरो वाले पे क्लिक करना होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, कोई स्टेप मिस्टेक करेंगे तो आपका नंबर अनबैंड नहीं हो पाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चलिए मैं इसको दोनों को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। अब देखिए यहाँ से इस पर सिंपली एक बार क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से सिंपली एक बार इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर हमको एक ईमेल आईडी व्हाट्सएप का मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आईडी बड़े काम की चीज़ है दोस्तों, इसको क्या करना है, इसी से आपका नंबर अनबैंड होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, ये देखिए यही है व्हाट्सएप का आईडी। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिंपली एक बार इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा आपके ईमेल में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप सब्जेक्ट पे लिखना होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सब्जेक्ट पे लिखना होता है, यहाँ पे आप व्हाट्सएप लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, नहीं लिख देंगे अनबैंड माई व्हाट्सएप नंबर अनबैंड। चलिए मैं आप लोगों को दिखाने के लिए लिख देता हूं यहां पे अपना नंबर डालना होता है। ठीक है दोस्तों, यहां पे नंबर भी आप डाल लीजिएगा जो नंबर आप का बैन है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आप अपना नंबर डाल लीजिएगा। छियानवे तिरसठ जीरो सैतालीस संतावन दो। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नंबर हो गया। आप कंपोज मेल जहाँ दे रहे हैं दोस्तों, जो यहाँ से आपको यहाँ पे लिखना है, चलिए मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ठीक है दोस्तों, दोस्तों कुछ ही इस प्रकार से लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं अपना नंबर चेंज कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए हे डियर व्हाट्सएप सपोर्ट टीम, ठीक है, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट द अनबैनिंग ऑफ माय व्हाट्सएप अकाउंट। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लिख देंगे अपना नंबर डालेंगे दोस्तों, यहाँ पे छियानवे तिरसठ
9863047752। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नंबर है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आप लोगों को डालना है। आप लोग देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा है, देखिए आप लोग इसी प्रकार से लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए दोस्तों यहाँ पे कुछ ऑप्शंस और भी यहाँ पे लिखा गया है, मेंशन किया गया है दोस्तों। यहाँ पे 23 तारीख 5 का महीना 2024 का आपका व्हाट्सएप बैन, आपका व्हाट्सएप बैन वाला जो डेट है आप उसको आप डालना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अभी ठीक है यहाँ तो हमने डाल लिया। यहाँ पे डालने के बाद दोस्तों क्या करना पड़ता है, ठीक है यहाँ पे ये जो हमारा नंबर इसको भी चेंज कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नंबर हो गया। ठीक है, अभी यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको क्या करना होता है मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा सेंड करने वाला। ठीक है दोस्तों, आपको सेंड कर देना है इस ईमेल को। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको यहाँ से, अब देखिए दोस्तों यहाँ से सेंड पे क्लिक करेंगे दोस्तों। यहाँ से देखिए इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, मेल चला गया है। ठीक है दोस्तों, मेल हमारा चला गया। तो अभी आपको क्या करना होता है, फिर से आपको व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट पे जाना होता है। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में जाएंगे दोस्तों। व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट में जाने के बाद दोस्तों यहाँ से देखिए ये मेरा दूसरा नंबर है और एक नंबर तो हमारा अनबैंड है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, नहीं तो चलिए मैं बिजनेस को छोड़ देता हूँ, नॉर्मल को यूज कर लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, व्हाट्सएप मैसेंजर को। लेकिन आपको अनबैंड करने के लिए दोस्तों, आपका नंबर अनबैंड करने के लिए सिंपली इसी पे क्लिक करना पड़ता है। चलिए मैं इसी को दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी क्या करना होता है आपको यहाँ पे, ठीक है दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए हेल्प सेंटर वाला अकाउंट आएगा। ठीक है दोस्तों, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। ठीक है, हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, अभी हेल्प सेंटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे सिंपली दोस्तों आपको यहाँ पे क्लिक करना है कॉन्टेक्ट आस पे। ठीक है, कॉन्टेक्ट आस पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको कुछ इस प्रकार से आएगा दोस्तों। अभी आपको क्या करना होता है, टेल यूज हाउ यू कैन हेल्प, आपको यहाँ पे कुछ लिखना पड़ता है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, जो यहाँ पे जो उस वाले मेल में हमने लिखा था आपको सिंपली इस वाले मेल में भी लिखना है। ठीक है दोस्तों, कुछ इस प्रकार से, ठीक है कुछ इस प्रकार से लिखना है, जैसे मैं लिखा हूँ, हे डियर टीम, ये पूरा डेट मेंशन किया हूँ, किस तारीख को बैन हुआ, ये नंबर भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ से आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों। ठीक है, 9863047752। देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। यहाँ पर भी आप अपना नंबर, यहाँ से एक नंबर दिखाई दे रहा है दोस्तों, आपको यहाँ पर भी आपको नंबर ये चेंज कर देना है। ठीक है, 047 यहाँ पे डालेंगे, 047 आप अपना नंबर डालिएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा नंबर है, हम डाल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप अपना नंबर डालिएगा। ओके, 57। ठीक है दोस्तों, अभी आपको क्या करना होता है, सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, देखिए कुछ इस प्रकार से सेटिंग हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर माई
सेंड माई क्वेश्चन टू व्हाट्सएप सपोर्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों। इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से आपका नंबर तो चला गया, ठीक है दोस्तों। देखिए आपका नंबर ये चला गया, कुछ ईमेल्स आ गए हैं यहाँ पे। देखिए थैंक्स फॉर मैसेज योर टिकट इज इतना दिखा रहा है दोस्तों, यहाँ पे आपके फ़ोन के बारे में दिखा रहा है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए ये ऑफिशियल सपोर्ट अकाउंट यहाँ पे आ गया, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप जो भी चैट वगैरह करना चाहें आपका फ़ोन में व्हाट्सएप सपोर्ट से, आप प्रॉब्लम जो भी आपका हो रहा है उनको बताना चाहें तो आप यहां से बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद दोस्तों आपको सिंपली क्या करना होता है, अपने देखिए नॉर्मल जो व्हाट्सएप मैसेंजर होता है उसको ओपन करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। उसको ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सिंपली जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों आपको जाना होता है सेटिंग में। सेटिंग में जाएंगे दोस्तों और यहाँ से देखिए हेल्प सेंटर भी खुल गया, और यहाँ पे देखिए हेल्प सेंटर पे एक बार क्लिक करेंगे, कॉन्टेक्ट आस्क पे, कॉन्टेक्ट आस्क पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए आपका हेल्प सेंटर भी खुल गया, यहाँ पे भी कॉन्टेक्ट आस्क हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी यहाँ पे जो आपने वहाँ पे जिस प्रकार से लिखा था अपना डिस्क्राइब, ठीक है दोस्तों, आपके फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फ़ोन में क्या क्या प्रॉब्लम नहीं, आपके व्हाट्सएप अकाउंट में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, आपका अकाउंट अनबैंड है, बैंड है, ठीक है दोस्तों। तो उसको अनबैंड किस प्रकार से करें, ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखना पड़ता है। फिर यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। यहाँ से आप अपना नंबर चेंज करके दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद देखिए सेंड माई क्वेश्चन टू व्हाट्सएप सपोर्ट, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना होता है, ठीक है दोस्तों। ये हमारा नंबर तो अभी पैन नहीं है, दूसरा वाला जो नंबर उस वाले आईडी में हमने चेंज किया दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो कुछ इसी प्रकार से आप लोगों को भी चेंज करना होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं आप इधर भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोग बोलेंगे कि फेक वीडियो है, फेक वीडियो है। इसमें भी मैं चेंज करके दिखा देता हूँ, 96 63 047 047। और यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना होता है, यहाँ पे नंबर डाल लेना होता है, और नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे अपना किस तारीख को आपका व्हाट्सएप नंबर बैन हुआ वो भी नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको नंबर को भी आपको चेंज करना पड़ता है। यहाँ पे दो जगह में आपका नंबर है दोस्तों, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक भी स्टेप मिस्टेक करेंगे तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे 96 63 047 57 2, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है। अभी सिंपली आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से देखिए कुछ ओपन हो रहा है। यहाँ पे देखिए सेंड माय क्वेश्चन टू व्हाट्सएप सपोर्ट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सिंपली सेंड कर देना है, ठीक है दोस्तों। सिंपली सेंड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया थैंक्स योर मैसेज डियर व्हाट्सएप टीम, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ये जो आपका नंबर दिखा रहा है बैनेड आन 23 आन और बिलीव इट व्हाट ए रिजल्ट ऑफ द, यहाँ पे देखिए ये पूरा नंबर शो हो रहे हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए अब ये बोल रहा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे आस्क फॉर द रिमूव ऑफ द बैन ऑन माय व्हाट्सएप अकाउंट, थैंक्स फॉर योर अटेंशन, ठीक है दोस्तों, एंड असिस्टेंट, ठीक है। अभी ये आपका नंबर दे दिया, ठीक है दोस्तों। आपका यहाँ पे जो नंबर दे रहा है दोस्तों, ये आपका नंबर यहाँ से कुछ इस प्रकार से करने के बाद दोस्तों
ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे, या और जब भेजेंगे तो 10 मिनट में भी हो सकता है, आपका बैंड नंबर अनबैंड हो सकता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।